जी तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप पहले भी कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और साथ में इतनी तगड़ी न्यूज़ इसने प्रोवाइड की उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले अगर आप देखिए, आज के दिन इतना बढ़िया पॉजिटिव रहा है ये, तो पॉजिटिव किस वजह से कि जो इसकी अभी न्यूज़ आई है वो बहुत गजब आई है। अगर आप देखें बाकी कंपनी जैसे हुई स्टेट बैंक और बहुत सारे नीचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव रहा, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अगर ये पॉजिटिव रहता है निफ्टी के साथ तो निफ्टी को भी एक बहुत अच्छा कमबैक मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कमबैक इसने तोड़ा है। अगर बात करूँ पिछले 5 दिन के अंदर गिरावट रहा, आप देख सकते हैं 1%, लेकिन अब कमबैक कर लेगा। अब बात होती है न्यूज़ की, तो न्यूज़ ऐसी क्या है जिसकी वजह से ये कमबैक कर रहा है? तो 1 घंटे पहले आई हुई न्यूज़ आप सुन के बहुत ही खुश होंगे। जो रिलायंस इंडस्ट्री है और बिल गेट्स है, उन्होंने एक यूएसए बैटरी की जो यूएसए एनर्जी स्टोरेज कंपनी है एम्ब्रिक इंडस्ट्री, उसके अंदर $144 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है बिल गेट्स और रिलायंस इंडस्ट्री में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर बात करूँ आगे की, तो रिलायंस इंडस्ट्री अलॉन्ग विद अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाइक पुसलॉन को इंडस्ट्री एंड टेको मैगुल, बिल गेट्स हैज़ इन्वेस्टेड $144 मिलियन इन यूएसए बेस्ड एनर्जी स्टोरेज कंपनी एम्ब्रिक इंडस्ट्री, द फॉर्मर नो अनाउंस्ड लेट ऑन मंडे इन द स्टेटमेंट। तो मंडे के दिन बताया गया, वैसे तो 1 घंटे पहले आई ये न्यूज़। द मुकेश अंबानी लीड कॉन्ग्लोमरेट थ्रू द इट्स सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड $50 मिलियन टू एक्वायर 42% शेयर ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक्स इन अमेरिका। तो आप देख सकते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्री, जो AGM में कहा था मुकेश अंबानी जी ने कि वो धूम मचा देंगे, बवंडर ला देंगे, वैसा ही उन्होंने किया। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो वो बूम ला रहे हैं, बवंडर ला रहे हैं, उसकी कोशिश में आप देख सकते हैं यूएसए की एक कंपनी के अंदर 42% स्टेक भी खरीद लिए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वो उसका कंपनी का नाम आप जानते हैं, एम्ब्री कंपनी है, यूएसए बेस्ड स्टोरेज कंपनी। और बात करें द ट्रांजेक्शन इज इन द लाइन विद द रियल स्ट्रेटेजिक प्लान टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर टू बिल्ड अ न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस, इट्स टू फ्यूल, इट्स कमिटेड टू द नेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2035। तो जो अंबानी जी है, मतलब अनिल अंबानी जी नहीं, मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजी जो इन्वेस्ट करेंगे 75,000 करोड़ 3 साल के अंदर क्लीन एनर्जी बिजनेस के अंदर, और वो चाहते हैं जो नेट कार्बन है वो न्यूट्रल हो जाए 2035 तक। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी रही है। अगर हम बात करें कंपनी के, एम्ब्रिया हैज़ पेटेंटली टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन विथ इट्स मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दे कैन लास्ट बिटवीन 24 आवर्स। दो जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन करती है, और उन्होंने ऐसा मैन्युफैक्चर भी किया है, पेटेंट करा लिया, जो एनर्जी स्टोर सिस्टम है वो एटलीस्ट 4 से 24 घंटे के बीच में स्टोरेज रख सकता है। द कंपनी कैन कैटर्स टू प्रोजेक्ट टू रिक्वायर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड 10 MW hours टू GW hours, मेकिंग द सुटेबल हाई यूजेज एप्लीकेशन सच एज शिफ्टिंग एनर्जी डे टाइम सोलर जनरेशन इवनिंग द मॉर्निंग पीक लोड टाइम्स। तो ये थी आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ में अगर हम इसके फाइनेंशियल भी डिस्कस कर ले तो फाइनेंशियल क्वार्टर बढ़िया गए थे रेवेन्यू के मामले में, मार्च वाला बढ़िया था, दिसंबर वाले में, मतलब ओवरऑल इतनी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ 5 साल में, आप देख सकते हैं 308% मैक्स के अंदर, तो बढ़िया 3,800 देख सकते हैं कितने बढ़िया रिटर्न दिए। 1 साल के अंदर भी गिरावट रहा, न्यूट्रल रहा स्टॉक, लेकिन आप देख सकते हैं आप अच्छे लगे आपको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएबल कंपनी है। तो आज का वीडियो यहीं रखता हूँ, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।